आजमगढ़ हथियारों का जखीरा, AK-47, AK-56, माउजर, देसी कट्टा, मशीन गन, न जाने कितने हथियार। ये सारे हथियार मेड इन आजमगढ़ के हैं। ये हथियार चलते भी हैं और आवाज भी करते हैं, लेकिन इससे किसी की मौत नहीं होती। चौंक गए आप, डरिए मत, ये सभी हथियार नकली हैं। जी हाँ, ये सभी हथियार नकली हैं, लेकिन किसी के जुनून ने इसे असली रूप दे दिया है। माई सिटी आजमगढ़ में आपका स्वागत है, मैं अभिषेक कुमार सिंह। कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है। ऐसी ही एक प्रतिभा हमें देखने को मिली तुषार सेठ के अंदर। तो पेश है हमारी ये रिपोर्ट तुषार सेठ की एक प्रतिभा पर। टीवी और फिल्मों में बंदूकों को देखकर तुषार के मन में हथियार बनाने की ललक पैदा हो गई, वो भी इतने कम बजट में। अमूनन देखा गया है कि घर में पड़े दफ्ती को लोग या तो फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, लेकिन तुषार ने इसी बेकार पड़े सामान को अपने हाथों का हुनर बना लिया। दफ्ती को कटिंग कर तुषार तरह तरह के अत्याधुनिक असलहे का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, तुषार ने इंडियन आर्मी को दफ्ती से उकेर दिया। बंदूकों के साथ ही टैंक, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ही आर्मी के अन्य सामान बना दिए। तुषार सेठ, 10th में पढ़ता हूँ। कब से ये शौक तुम्हें लगा बंदूक बनाने का? या 10 साल से। 10 साल से बंदूक बनाते हो, कौन कौन सी बंदूकें बनाई तुमने अभी तक? सर भैया, जितना हम लोग देखे हैं AK-47, M4, M16 शॉटगन, सब सारी बंदूकें बना लेते हो। और इस सब का खर्चा कौन तुमको देता है? कोई नहीं, घर में दुकान में जो दफ्ती आते हैं सामान में, जिसमें उसी में से काट काट के हम बना लेते हैं। घर वाले क्या बोलते हैं जब तुम ये बंदूकें बनाते हो? तो कुछ नहीं, कहते हैं जो तुम ये करो, बंदूक बनाओ या कुछ भी करो, अच्छा लगता है मुझे, मैं बनाता हूँ। तो बंदूक बनाने के साथ ही बंदूक की आवाज़ें भी निकाल लेते हो तुम? टीवी में देखते हुए, जब टीवी में गोली चलते हैं तो उसी तरह मुँह से बचपन से निकालने लगता हूँ। तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आया कि मिलिट्री से जुड़े सामान है तुमको बनाने? भैया, हमको जब हम पहले बंदूक बनाते थे, उसके बाद हम खेलना जानते, खेलते खेलते हम समझ गए किसके पास ये सब रहता है। तो देखते देखते हमें मिलिट्री अच्छे लगने लगे। जहाँ जहाँ मिलिट्री आती थी, जैसे वो पढ़ता था, जहाँ जहाँ मिलिट्री आती जाता था मैं देखने, कौन कौन सी हथियार लिए, क्या क्या सब लिए, उसी तरह देखते रहते टीवी में, फिर नेट में, कंप्यूटर में देखने लगा कौन कौन सा हथियार रहता है, इन सबों के पास क्या क्या आइटम रहता है। इसी तरह देखते देखते मैं सब बना लिया ये सब। तुषार का कहना है कि वे देश की सेवा के लिए आर्मी में जाना चाहता है। मैं मिलिट्री बनना चाहता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ मिलिट्री बनता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, पढ़ाई मुझे अच्छा ही नहीं लगता इन सबों के अलावा। किस प्रतिभा को माता पिता के साथ आस पड़ोस के लोग भी सराहना करते नहीं थकते। बनाता तो हम भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खेल लें, खेलने के बाद फिर अपना होमवर्क और करेगा। नहीं, हम लोग सोचते हैं कि दफ्ती का खिलौना है, इसी तरह खेलता है, बना ना कि कहीं बाहर दोस्त यार तो है नहीं, घर में यूज होता है कि सिर्फ यही। मैं लेटरी में हम भी निकालना चाहते हैं, कोई पढ़ लिख के अच्छा करे कोई काम। अब ये सब ईश्वर की कृपा है, हम क्या बताएं सब हैं। अभी गत्ता रखा था, उसी में काट काट के बनाता रहता, टीवी देखता है, हैं? ये केवल सिपाहियों वाला, सेना वाला, यही सब देखता रहता है। अब यही चाहते हैं अगर इसका उसी में है प्रतिभा तो आगे बढ़े इसी में। ज़्यादातर ये मिलिट्री पुलिस वाली मूवियों को देखता है, इससे ये बनाता है। हम इसके घर में आते जाते हैं तो हमें दिखाता है कि भैया देखो मैंने ये बनाया, आज ये बनाया है। कभी हमारे घर पर भी लेके आता है, दिखाता है कि हमने ये बनाया है। अब इसे तुषार की प्रतिभा कहें या जुनून, लेकिन उसके अंदर छुपे इस कला को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके आस पड़ोस में भी अगर किसी बच्चे के अंदर कोई प्रतिभा छुपी हो तो आप हमें जरूर सूचित करें, हम आजमगढ़ की प्रतिभा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें।